सो फाइनली आज की इस वाली वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.18.10 के लिए ऑप्टिफाइन। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू इंक्रीज योर FPS एंड फिक्स योर लैग इन माइनक्राफ्ट PE 1.18, जिसमें कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड उसमें आप लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक भी दिए थे, तो अगेन थैंक यू फॉर दैट। सो ये वीडियो बनाने का मेनली तो दो ही रीजन है। सबसे पहला तो क्योंकि वर्ल्ड पोकेमॉन ने लिखा था कि उनको जो है एक नया ऑप्टिफाइन चाहिए था, तो ये तो था पहला रीजन। एंड सेकेंड रीजन मेनली ये था कि पहले जो मैंने ऑप्टिफाइन दिया था ये उसका अपग्रेडेड वर्जन, एंड जो है पिछले वाला जो ऑप्टिफाइन था उससे काफी बेटर लगा मुझे इसको यूज करने के बाद। एंड इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपका चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, 1GB रैम का हो या फिर 6GB रैम का हो, अगर आपका माइनक्राफ्ट लैग करता है ना तो अब लैग करना बंद कर देगा। सो हमने माइनक्राफ्ट में ऑप्टिफाइन को एक्टिव कर दिया और ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये जो वर्ल्ड्स वाला सेक्शन है कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और ऐसा सिस्टमेटिक टाइप का दिख रहा है यार। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि आपको इसको अपने वर्ल्ड में ऐड कैसे करना है और इसके फंक्शन एंड फीचर्स वगैरह क्या है। सो जब आप अपना वर्ल्ड क्रिएट या फिर एडिट करोगे तो वहाँ पर आपको रिसोर्स पैक में ये ऑप्टिफाइन देखने को मिल जाएगा, और आप इसको जब एक्टिवेट करोगे तो आपको वहाँ से एक्टिव में जाना है, फिर वहाँ पर ऑप्टिफाइन के पैक के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाना। देन आपको वहाँ पर चार रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, मीडियम, फास्ट एंड फास्टेस्ट। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ऑप्टिफाइन को ऐड करने के बाद माइनक्राफ्ट में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो अभी हम लोग जो है फास्टेस्ट रेजोल्यूशन में खेलने वाले हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो लैग। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन में जो है माइनक्राफ्ट कैसे दिखने वाला है, आपके राइट हैंड साइड में आपको कोऑर्डिनेट्स और एक कंपास ऐड कर दिया गया है, एंड जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका गेम मोड देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपकी XP कितनी है वो भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो है आपको ऑप्टिफाइन में एक डिफॉल्ट नाइट विजन देखने को भी मिल जाएगा, जिससे कि आप कभी भी कोई केव या फिर वाटर के अंदर जाओगे तो आपका जो है अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एंड इसमें जो है आपको हाइड HUD का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना जो HUD है उसको हाइड कर सकते हो। एंड इसमें आपके सेटिंग्स कैसे देखने वाले वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और मैं बताऊँ तो पर्सनली मुझे ये बेस्ट चीज़ लगी, मतलब आपको जो जो चीज़ें एकदम नेसेसरी है ना वो आपको एकदम सामने में ही दिख जाती हैं। सो या आई होप कि ऑप्टिफाइन जो है आपका माइनक्राफ्ट का लैग फिक्स कर दे, क्योंकि देखो मेरा तो इसने लैग फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं जब भी नेदर जाता था तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा थोड़ा बहुत लैग जो है शुरू हो जाता था, बट अब वो जो है नहीं हो रहा है। एंड इसमें बस इतने फीचर्स नहीं, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। सो एक बार ट्राई जरूर करके देखना, और अगर तो चैनल पर नए आए हो और ऑप्टिफाइन यूज करने के बाद आपका लैग फिक्स हो गया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, अपने फीडबैक जो है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।